भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की सरकार नंबर वन भ्रष्टाचार सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। वो नफरत फैलाते हैं जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 18,000। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई CBI लगी, ED लगी, इनकम टैक्स लगा उस पर? ये चोरी की सरकार है। आपने सुना होगा खासतौर से आदिवासियों से बीजेपी के नेता कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ना, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए हिंदुस्तान में, अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। इसके पीछे इनकी सोच है, ये चाहते हैं कि इनके बेटे, इनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ें और आदिवासी जो हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी पढ़नी है, मगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मध्य प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश में बात करनी है किसी से, उत्तर प्रदेश में आप जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में बात करनी है किसी से, तो हिंदी चलेगी। मगर अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। और बहनों, छत्तीसगढ़ में जो किसान है आत्महत्या नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 18,000। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यह जरूर है कि बड़े बड़े उद्योगपति इतने खुश नहीं है, वो थोड़े टेंशन लिए हैं, मगर किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, वो सब खुश है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जैसे अभी मैंने हाथ उठवाया, आधी भीड़ ने हाथ उठा दिया, कह दिया हम बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में हम ऐसा सवाल पूछते हैं, बहुत कम हाथ उठते हैं। तो ये हम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब देखिए, हमने यहां वायदा किया था, हमने वायदा किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपसे चोरी करके छीन ली, सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी, आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? ये आपने जो कहा था, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और बीजेपी और उनके जो उद्योगपति बड़े बड़े दोस्त हैं उन्होंने आपकी सरकार आपसे चोरी की, विधायकों को पैसा देकर उन्होंने सरकार तोड़ी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे।
ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? देखा देखा? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई लगी, ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा उस पर? यहां पे जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है उसका पैसा इन्होंने लूटा? मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने। पटवारी एग्जाम स्कैंडल और एमबीबीएस सीट को बेचा इन लोगों ने। बेचा नहीं बेचा? तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है, भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 भ्रष्टाचार में सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। बीजेपी में और मुझ में एक फर्क है सबसे बड़ा इस चुनाव में, सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया, अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और आज अन्याय का हिंदुस्तान है। यहां पे 53 अफसर है, एक ओबीसी का है। 100 रुपए खर्च होते हैं, 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करता है। इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, कोई पीछे ना रहे, सारे किसानों को एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को चलाना चाहिए, फायदा सबको होना चाहिए, 2-3 चुने हुए लोगों को नहीं।